मंदिर है वो। सामने वो किला है ओरछा का और पीछे राजा राम महल। ये सामने राजा राम महल। तो यहाँ की एक ख़ास बात है जो कि अभी बताएंगे। इस मंदिर की एक ख़ास बात है कि यहाँ राजा जी को, जो राम जी को राजा की तरह पूजते हैं। बाकी दुनिया में कहीं पे भी राम भगवान है, यहाँ पे केवल राजा है। तो यहाँ पे यहाँ के जो राजा रानी थे पहले, वो अयोध्या गए थे, वहाँ से बाल राम जी की मूर्ति लेकर आए थे। वो लाए थे तो उस टाइम मंदिर बना नहीं था, तो उन्होंने अपने कमरे में रख ली। एक दिन पूजा करी, दूसरे दिन से वहाँ से हटा ही नहीं पाए। और जब मंदिर बनाए, बगल में चतुर्भुज टेम्पल है, उन्हीं के नाम पर बना था, तो वहाँ से जब शिफ्ट करने की कोशिश करी गई राम जी की मूर्ति, तो वहाँ से हिली नहीं, उन्हीं के कक्ष में। तब से वो ये इस महल को ही मंदिर बना दिया और वो इधर आ गई, ये महल बना दिया पीछे किला। बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत महंगे नहीं। भाई लोग आ चुके हैं राजा राम महल, भगवान श्री राम जी का जो राजघराना है एक तरह का। बहुत सुंदर महल है भाई। बहुत सुंदर। ये बगल में चतुर्भुज टेम्पल बना है। उससे जहाँ मंदिर बंद होने वाला होता है। बहुत सुंदर मंदिर है भाई। चलो 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 चलो। दर्शन हो गए मस्त। चलो दर्शन करके आ गए और उशाद विला पान, मीठा पान, ये है पीछे सुंदर सा। और ये पीछे महल इधर है चतुर्भुज टेम्पल, यहाँ जाएंगे। पिछली बार यहाँ नहीं गए थे। ये मेन है। बहुत भव्य है भाई, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। चलो अभी फोटो वोटो लेते हैं। ये आर्ट गैलरी है पीछे राजा राम महल। अब हम लोग जा रहे हैं चतुर्भुज टेम्पल की तरफ। यहाँ से इसके अंदर, मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो महल के रानीवास से डायरेक्ट दिखती है, और जबकि दूर बहुत है। तो दिखाएंगे, सामने वो महल है, महल से ऊंचा मंदिर है। बहुत सुंदर बना, मस्त। फिर चलो दर्शन करके आते हैं। देखो किसी ने नाम लिखा है, नारायण सिंह। अच्छा लगे ही है सब। ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। हमीरपुर के बहुत सुंदर है भाई। ये देखो, मतलब उस बनाने का तरीका था ये आदमी कहीं से दर्शन कर सकता है। बहुत सुंदर बना है भाई। अंदर जो दिख रहा है अभी दिखेगा, ये सामने खिड़की जैसी दिख रही है इस जगह पे, यहाँ पे। तो वहाँ से वो रानीवास है, वहाँ से रानी जी डायरेक्ट बैठ के मंदिर को देख सकती है डायरेक्ट, जबकि वो बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। अभी बाहर जाके दिखाएंगे, देखो इस पर लाइट जब जाएगी तो बहुत दूर है वो, वहाँ से देखते हैं। कल्लो भगवान जी के बाबा का नाम, बहुत बड़ा मंदिर है भाई। चाय देखो, वो सामने है महल जहाँ राजा लोग रहते थे, राजा महाराजा, तो उनको दर्शन करने के लिए दूर आना पड़ता था। तो उनकी इच्छा थी कि मंदिर को इस तरह से बनाया जाए कि अपने महल से ही मंदिर के दर्शन कर लें। तो वो जो झरोखा है जो स्टील की जाली लगी हुई है, वहाँ से बैठ के वो सीधे डायरेक्ट भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। भगवान की झलक ही बहुत काफ़ी होती है, तो इसी उद्देश्य से ये मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई वो जबकि 4th फ्लोर है और ये 1st फ्लोर इसका बेसमेंट, इतना ऊंचा मंदिर बनाया गया है। इसमें नीचे भी है और ऊपर भी है, बहुत सुंदर बनाया है। वो राम मंदिर, राम महल, जहाँ भगवान राम को आज भी राजा की तरह पूजा किया जाता है, बहुत ही सुंदर महल है वो। तो पहले वो रनिवास था, तो रनिवास की वजह से उसको इतना डेवलप नहीं कर पाए। बाकी मेन मंदिर ये बनाया जाता है, चतुर्भुज टेम्पल जिस पे हम लोग खड़े हैं, पर यहाँ पे उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं करवाई पाई, क्योंकि जब वो रानी जी अयोध्या से मूर्ति लेकर आई थी राम जी की मन्नत मांग के, तो यहाँ पे लाई, तो अपने उस टाइम मंदिर बना नहीं था, तो अपने रनिवास में ही उन्होंने रख ली मूर्ति। तो कुछ दिन जब मंदिर बन के तैयार हुआ, कुछ दिन बाद मूर्ति को हटाने की कोशिश करी पंडितों को बुला के, बाकी यहाँ स्थापना कराने के लिए, तो मूर्ति हटी ही नहीं। तो तब से वो मूर्ति वहीं स्थापित है। और उसके बाद उन्होंने ये सामने अपना महल बनवाया राजा रानी ने, और ये मंदिर को अलग से दूसरी मूर्ति ला के लगाई है। इसको चतुर्भुज टेम्पल कहते हैं, बहुत सुंदर है। इसकी खास बात तो बताई दी है, ये सामने झरोखे से मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं कोई भी जाके वहाँ पर। मंदिर अभी ये है चतुर्भुज टेम्पल, इसको दर्शन करके आ गए हम लोग नीचे। अभी जा रहे जहांगीर महल वो देखने, तो धूप हो गई फिलहाल अच्छी खासी, तो काफ़ी पैर जल रहे नीचे। ये मार्केट है, लेकिन चप्पल, हाँ चलो अच्छा है। सामने बहुत ऊंचा टेम्पल दिखता है। और ये है राजा राम मंदिर, राजा राम महल। भगवान श्री राम यहाँ राजा के रूप में स्थापित हैं। राजा रामचंद्र की जय। तो आज एकादशी है भाई, एकादशी के दिन बहुत शुभ माना जाता है दर्शन करना, तो दर्शन करके आए, बहुत सुंदर दर्शन हुए भाई। तो ये जो महल है असल में ये भगवान जी ने खुद अपनाया था ये महल, तो बहुत सुंदर महल है। चलो चले। अष्टधातु की मूर्तियाँ बहुत मिलती हैं इधर। ये सब जो है पीछे कहते हैं कि अष्टधातु है, ये देखो पुराने एंटीक, सब पूरा एंटीक सामान है। तो खाओगे खाना, जो बताओ खा लो, कहाँ सही मिलेगा, तुम तो आए हुए बताओ फिर। पहले उधर हो के आते हैं तो पहले खा के चले। कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा 1 घंटा लग जाएगा आराम से, खा के। हम लोग खाना खाने बैठे आके ढाबे में, मस्त मज़ा आ रही है। कुल मिला के धूप हो गई है ज़्यादा। रोटी तो अभी खाना खा लिया भाई, सब्जी रोटी, और अब जा रहे हैं पीछे किला देखने। लास्ट टाइम आए थे जब, तब व्लॉगिंग नहीं करते थे, तब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चली थी, तो वो आज सारी चीज़ें बताएंगे।